शाहरुख खान द प्राइड ऑफ इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा कि शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म क्या होगी, इससे जुड़े रूमर्स। मैं इस वीडियो में शाहरुख खान के हेटर्स को कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि 3-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं शाहरुख खान को सोशल मीडिया पर लोग। शाहरुख खान बॉलीवुड छोड़ चुके, शाहरुख खान एक्टिंग छोड़ चुके, वो फिल्में करना छोड़ चुके, मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है शाहरुख खान की। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने थंबनेल पर लिखा SRK द प्राइड ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, जो जो शाहरुख खान के फैन है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और शाहरुख खान हेटर्स भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग देख रहे हैं तो जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बॉलीवुड के टॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और शाहरुख खान से जुड़ी आपको हर खबर इसी चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट बात, SRK क्यों प्राइड ऑफ इंडिया है। आज जो बॉलीवुड इतना नाम कर रहा है वर्ल्ड वाइड, वो किसके लिए, शाहरुख खान के लिए, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज में मार्केट ओपन किया है वो शाहरुख खान की फिल्में ने किया। DDLJ कह लीजिए, ओम शांति ओम कह लीजिए, माई नेम इज़ खान, तो मतलब ब्लॉकबास्टर साबित हुआ था वो। किस लिए, शाहरुख खान के लिए आज बॉलीवुड इतना पॉपुलर है ओवरसीज में। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात, किसी ने शाहरुख खान के फेवर में कुछ कमेंट किया, तो उसे चैरिटी के नाम पर कुछ बोला। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो क्रिस्टल अवार्ड है, यूनेस्को अवार्ड है, वो किसको मिला, शाहरुख खान को मिला। सबसे ज़्यादा चैरिटी को बॉलीवुड में कौन करता है, शाहरुख खान करता है। चाइना में एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रिसर्च करके ऐसा मतलब रिसर्च किया तो बताया कि शाहरुख खान बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। तो वो बताता नहीं है, तो बताता मतलब नहीं है तो मतलब करता नहीं है क्या, वो करता मतलब ये सबसे ज़्यादा जो चैरिटी करता है ना, वो शाहरुख खान ही है। तो फ्रेंड्स, और एक बात, शाहरुख खान 20 सालों तक बॉलीवुड में राज किया, 3-4 फिल्मों उसके नहीं चली थी, मतलब क्या हुआ, ट्रोल करोगे। वो जब तक जो आप जो पॉपुलर स्टार है ना, वो 10 साल से उनकी फिल्म चल रही है, पर शाहरुख खान की फिल्म 20 से 25 सालों तक फिल्में चली, पिछले दो तीन फिल्में नहीं चल रही, तो क्या हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगली फिल्म शाहरुख खान की सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर होगी। आप शाहरुख खान के फैन हैं, अब तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक जरूर कीजिए। और कुछ बोलना बाकी है शाहरुख खान को, मतलब पॉपुलर स्टार हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे ज्यादा किसी एक्टर, मतलब एट प्रेजेंट सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग किसी एक्टर की है वर्ल्ड वाइड, तो वह शाहरुख खान। टॉम क्रूज से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी है उस सबसे, टॉम क्रूज से ज्यादा जानते हैं लोग शाहरुख खान को। और कुछ कहना बाकी है शाहरुख खान के हेटर्स को, मैं कह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शाहरुख खान के फिल्मों से जुड़ी एक रूमर्स है कि शाहरुख खान कब अपने फिल्म का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, मैं शाम को वीडियो बनाऊंगा।